स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस क्लास फर्स्ट चैप्टर फोर ये स्टूडेंट्स टुडे ऑलरेडी इन चैप्टर फोर यू हैव लर्न अबाउट द सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक स्मॉल एंड बिग एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक इट्स बर्ड्स एंड सम अदर टॉपिक्स ऑल्सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द बर्ड्स बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ ओके बी आई आर डी एस बर्ड्स हैच ए वी ई हैव W I N G S wings A N D and F E A T H E R S feathers birds have wings and feathers पक्षियों के क्या होते हैं wings and feathers यानी पर और पंख होते हैं इनके होते हैं ना बच्चों W I N G S wings H E L P help T H E M them T O two F L Y fly wings help them to fly यानी पक्षियों के जो wings होते हैं यानी जो पंख होते हैं ये क्या करते हैं उनकी मदद करते हैं fly fly means उड़ने में M O S T most B I R D S birds L I K E like P A double R O T parrot P I G E O N pigeon C R O W crow A N D and S P A double R O W sparrow C A N can F L Y fly most birds like parrot pigeon crow and sparrow can fly most यानी अधिकतर पक्षियाँ ऐसी होती है जैसे कि like means जैसे कि parrot means तोता pigeon means कबूतर crow means कौवा and sparrow means चिड़िया ये जानवर ये पक्षियाँ उड़ सकती है सॉरी स्टूडेंट्स पक्षियाँ हैं ये तो ये उड़ सकती है ओ एस टी आर आई सी एच ऑस्ट्रिच आप यहाँ पे ऑस्ट्रिच देख सकते हो बेटा पिजन आप देख सकते हो ऑस्ट्रिच आप देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई जो ऑस्ट्रिच होता है एंड कीवी ये ऐसी पक्षियाँ हैं इनके पिक्चर्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी ये ऐसी पक्षियाँ हैं आर बी आई आर डी एस बर्ड्स टी एच ए टी दैट सी ए डबल एन ओ टी कैन नॉट F L Y fly. Ostrich and kiwi are birds that cannot fly. यानी ostrich और kiwi वजह से पक्षियाँ होती हैं ये पक्षियाँ उड़ नहीं सकती ओके S O M E some B I R D S birds C A N can S W I M swim I N in W A T E R water some birds can swim in water और कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं जो पानी में swim यानी तैर सकती है D U C K duck duck means बतख G double O S E goose A N D and duck means हंस जो होते हैं ये देखो बेटा यहाँ पे जो goose होते हैं duck means बतख होता है goose यहाँ पे आप देख सकते हो and swan ये हंस होते हैं are birds ऐसी पक्षियाँ हैं that can swim in water duck goose and swan are birds यानी ये ऐसी पक्षियाँ हैं जो पानी में तैर सकती है ओके स्टूडेंट्स यू कैन सी योर द डक एंड गूस इवन सम आर स्टिल अबाउट अ स्वैन ऑल्सो आई विल शो यू दिस पिक्चर्स दट बर्ड्स स्विम इन वॉटर ओके नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस पिक्चर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंसेक्ट्स आई एन एस ई सी टी एस इंसेक्ट्स दिस इज अवर अनदर टॉपिक इंसेक्ट्स मीन्स जो कीड़े होते हैं ना बच्चों उनको हम कहते हैं जो कीट होते हैं Insects are tiny creatures. I-N-S-E-C-T-S. Insects, A-R-E-R-T-I-N-Y. Tiny, C-R-E-A-T-U-R-E-S. Creatures. Tiny creatures. Insects, यानी ये जो कीट होते हैं ये बहुत ही छोटे creatures. Creatures means जीव होते हैं. Tiny means छोटे. A-L-L-L-L, I-N-S-E-C-T-S, insects, H-A-V-E, have, S-I-X, 6-L-E-G-S, legs, all insects have 6 legs, ये जो insects होते हैं, इनके कितने पैर होते हैं, सभी के 6 पैर होते हैं, S-O-M-E, some, I-N-S-E-C-T-S, insects, H-A-V-E, have, W-I-N-G-S, wings, some insects have wings, और कुछ insects ऐसे होते हैं, कीट ऐसे होते हैं, जिनके पंख भी होते हैं, पर होते हैं इनके, W-I-N-G-S, wings, H-E-L-P, help, T-H-E-M, them, T-O-2, F-L-Y, fly, wings help them to fly, ये जो wings होते हैं, इनके जो पंख होते हैं, इनकी मदद करते हैं उड़ने में, insects के भी पंख होते हैं, कुछ insects के, सभी के नहीं, M-O-S-Q-U-I-T-O, mosquito, mosquito का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मच्छर,
BUTTERFLY, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का भी आप जानते होंगे जो तितलियां होती हैं उनको हम बटरफ्लाई कहते हैं। COCKROACH, कॉकरोच, इनके जो पिक्चर्स मॉस्किटो, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ग्रास ओपर, एंट, हाउस फ्लाई एंड लोकस्ट, इनके जो ये जो इंसेक्ट्स हैं इनके पिक्चर्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी बच्चों, ठीक है। GRASSHOPPER, ग्रास ओपर, ग्रास ओपर आप लोगों ने देखी होंगी जो टिड्डियाँ होती हैं उनको ग्रास ओपर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। एंटी, एंट, एंट मीन्स चीटी। HOUSEFLY, हाउस फ्लाई का मतलब होता है मक्खियाँ जो होती हैं उनको हाउस फ्लाई कहा जा सकता है। LOCUST, लोकस्ट आर इंसेक्ट्स, लोकस्ट नाम का भी एक इंसेक्ट होता है उसके भी पिक्चर में अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, इंसेक्ट्स, मस्किटो, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ग्रास ओपर, एंट, हाउस फ्लाई एंड लोकस्ट आर सम नेम्स ऑफ द इंसेक्ट्स, ओके। टुगेदर विद दिस स्टूडेंट्स यू कैन सी वन थिंग, दे हैव गिवन यू सम इम्पोर्टेंट, डू यू नो, क्या आपको पता है क्या, एंट्स डू नॉट स्लीप इन देयर होल लाइफ, होल लाइफ मीन्स पूर्ण जीवन में, उनके पूरा जीवन चाहे वो 2 दिन जिए, 3 दिन जिए, 10 दिन जिए, जो भी उनकी लाइफ होती है इस पूरी लाइफ में एंट्स यानी चींटियाँ जो होती हैं वो कभी नहीं सोती, ठीक है बच्चों।